आप देख रहे हैं फ़ोन वर्ल्ड और मैं हूं मीना शाह। तो जैसे कि आपको पता है कि जैज़ की तरफ से रिसेंटली स्मार्ट फीचर फ़ोन लॉन्च किया गया है, जैज़ डिजिट 4G, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा है अब तक जब से लॉन्च हुआ है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने इसके बारे में पूछा है, कमेंट्स किए हैं, परचेज़ किए हैं, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि बार बार पूछ रहे हैं कि ये कहाँ से मिलेगा। तो जैज़ की फ्रेंचाइज सेंटर से, बिज़नेस सेंटर से एंड सर्विस सेंटर से आप जाके परचेज़ कर सकते हैं, और कुछ स्पेसिफिक रिटेलर्स हैं जहाँ से आप ये फ़ोन परचेज़ कर सकते हैं। अगर मुझे और मज़ीद इन्फॉर्मेशन पता चलेगी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो जैसे कि आपको पता है कि स्मार्ट फीचर फ़ोन है ये जैज़ डिजिट 4G, तो इसमें आपको बहुत कुछ मिल रहा है, लाइक इसमें आपको व्हाट्सएप मिल रहा है, आपको फेसबुक मिल रहा है, आपको यूट्यूब मिल रहा है, आपको मिल रहा है इसमें गूगल असिस्टेंट्स एंड बहुत कुछ, इस तरह के गूगल मैप्स भी इवन मिल रहा है। और अपकमिंग अपडेट्स में आपको इसके जो कायो स्टोर है उसमें आपको ऊबर एंड आपको करीम भी मिलेगी, बाकी अब इसमें ऑलरेडी मौजूद है। तो इसमें इतना कुछ है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया है कि व्हाट्सएप के हवाले से कि इसमें किस तरह इसको यूज़ किया जाता है, या हॉटस्पॉट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए हैं, क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें आप हॉटस्पॉट भी क्रिएट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं अपनी दूसरी डिवाइसेस को। बेसिकली इसमें आपको मैं बताने वाली हूँ जैज़ डिजिट 4G के हवाले से टिप्स एंड ट्रिक्स। तो हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें किस तरह हॉटस्पॉट बना सकते हैं एंड इस तरह व्हाट्सएप किस तरह एक्टिवेट कर सकते हैं, यूज़ कैसे कर सकते हैं, और इसमें स्क्रीनशॉट कैसे आप ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले जो टिप मैं डिस्कस करूंगी वो है हाउ टू टर्न ऑन वाईफाई हॉटस्पॉट ऑन जैज़ डिजिट 4G। तो आप क्या करेंगे कि पहले जाएंगे आप इस सेंटर बटन पे क्लिक करेंगे ताकि आपके जो मेन्यू है वो ओपन हो जाए, एंड इसके बाद आप जाएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी टैब नज़र आ रहा है, तो आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको इंटरनेट शेयरिंग मिल रहा है। और सबसे मेन बात बताते चलूँ कि इसमें जैज़ की 4G सिम मौजूद है ऑलरेडी, तो जिससे हम हॉटस्पॉट क्रिएट करेंगे। इंटरनेट शेयरिंग में यहाँ पर आपको मिल रहा है वाईफाई हॉटस्पॉट जो कि इस वक्त ऑफ है, तो हम इसको करेंगे ऑन। जब ये ऑन हो जाएगा तो आप अपना हॉटस्पॉट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप नाम चेंज करना चाहते हैं या पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी यहाँ मौजूद है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कि आप जैज़ डिजिट 4G में स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हैं थ्रू फिज़िकल कीज़, क्योंकि आपको अपने स्मार्टफोन का तो पता ही होता है सबको, मोस्टली एक ही तरीका होता है, लेकिन फीचर फ़ोन में जो बटन्स वाला होता है उसमें थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कि किस तरह स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। तो स्क्रीनशॉट के लिए आपने यहाँ पर स्टार एंड हैश आपको ये बटन मिल रहे हैं, तो आपने इसको एक साथ प्रेस करने हैं एक ही टाइम पर, लाइक दिस। तो ये स्क्रीनशॉट ले लिया है, यहाँ पर आपको ऊपर नोटिफिकेशन मिल रहा है कि ये आपका गैलरी में सेव हो गया है। तो जब आप गैलरी में जाएंगे, हम अभी ही देख लेते हैं ताकि आपको भी नज़र आ सके, ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे गैलरी में सेव हो गया है, तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा एडिट एंड शेयर का। तो ये एक मज़े की चीज़ है कि आपको इस स्मार्ट फीचर फ़ोन में स्क्रीनशॉट का ऑप्शन भी मिल रहा है, जो कि मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है। तो अब हम चलते हैं व्हाट्सएप की तरफ। तो जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है शॉर्टकट जो कि होम स्क्रीन पे दिया गया है, तो हम इसको करते हैं ओपन। जैसे कि आपको हम इसको करते हैं ओपन क्योंकि ये है प्री इंस्टॉल, तो आपको इंस्टॉलेशन प्रॉब्लम भी नहीं होगी कि इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी आपके पास प्री इंस्टॉल मौजूद है, जिससे आप अपने मैसेजेस सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं, ऑडियो सेंड कर सकते हैं, इमेजेस सेंड कर सकते हैं। लेकिन हम आपको बताएंगे कि इसको एक्टिवेट कैसे करना है। तो आप इसको करेंगे ओपन, ये ऑलरेडी मैंने जो है इसमें इंस्टॉल किया था टेस्टिंग के लिए हमारी टीम ने, तो इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी आपको मिल रहा है एक्टिवेट हुआ हुआ है। तो आप इसको ओपन करेंगे, उसके बाद आप जाएंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे जाने के बाद आपने अपना नंबर वहाँ पे वेरीफाई करना है, उसको ओके करना है, उसके बाद आपको एक कोड मिलेगा। कोड मिलने के बाद आप क्या करेंगे कि उसको ओके करेंगे, वेरीफाई हो जाएगा आपका व्हाट्सएप। फिर आपने क्या करना है कि प्रोफाइल नेम लिखना है एंड अपना फ़ोटो ऐड करना है जो भी आपको पसंद है। तो चैट करने के लिए आपने क्लिक करना है यहाँ पर न्यू चैट पर, जैसा कि आपको ये मिल रहा है। तो न्यू चैट पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने जिसको टैग को भी चैट भेजनी है, सेंड करनी है, तो वो सिलेक्ट कर लें एंड इसके बाद स्टार्ट टाइपिंग, लाइक यहाँ पर ये आपका हो गया। यहाँ पे आपने टाइप करनी है और यहाँ से आपने मिडिल वाले बटन से सेंड करना है और डिलीट यहीं से होंगे, लाइक अगर आपने चैट रिमूव करनी है। तो आपने वॉइस मैसेज किस तरह सेंड करना है, तो आपको क्या करना है कि आपने कोई भी कॉन्टैक्ट सिलेक्ट करना है, लाइक ऑलरेडी मेरे पास ये वाला मौजूद है, तो फाहद का नंबर, इसके साथ मैं यहाँ पर इसमें इसको प्रेस करूँगी, ये सेंटर में आपको जो बटन मिल रहा है यहाँ पर लिखा भी नज़र आ रहा है वॉइस, प्रेस द सेंटर की फॉर वॉइस रिकॉर्डिंग। तो हम इसको
रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद हमने क्या करना है कि प्रेस एंड होल्ड, आपने इसको होल्ड रखना है ताकि आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग जो है वो रिकॉर्ड हो जाए लाइक दिस। तो ये आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। जब ये कंप्लीट हो जाएगी इसको छोड़ दें और यहाँ से सेंड कर दें तो ये सेंड हो जाएगी। ओके, ये तो आपको समझ आ गया होगा, लेकिन इसके साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये जो व्हाट्सएप है इसमें आप वॉइस कॉल नहीं कर सकते हैं, वीडियो कॉल्स नहीं कर सकते क्योंकि ये सपोर्ट नहीं करता। अब मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में इसके लिए कुछ अपडेट्स आएंगे या नहीं या इसमें होगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, हो सकता है वॉइस कॉल आ जाए लेकिन वीडियो कॉल का आई एम श्योर कि वो नहीं आ सकता क्योंकि इसका कैमरा ही शायद इसको सपोर्ट ना करे। तो फिर भी अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन पता चलेगी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जैज़ डिजिट 4G से रिलेटेड। अगर आपके माइंड में कुछ और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। एक और चीज़ जो मुझे याद आ गई है, अगर आप इसमें YouTube देख रहे हैं, YouTube प्ले किया हुआ है, आपने कोई मूवी देख रहे हैं, अगर आप वॉल्यूम को अप एंड डाउन करना चाहते हैं तो 1 से जो है 1 बटन से आपका वॉल्यूम डाउन होगा और 3 से अप होगा। तो ये भी एक टिप है जो मुझे याद आ गई, मैंने आपसे शेयर कर ली। हाय फ्रेंड्स, आप बताइएगा कि ये आपको ये सिंपल सी गाइड आपको कैसी लगी। कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड जैज़ डिजिट 4G से रिलेटेड तो मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको आंसर कर लूँगी। और इसके साथ आप हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपको बार बार यही कह रही हूँ कि हमें जल्दी से करने हैं 100K। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।